तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल काइट लवर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू चूज अ परफेक्ट काइट, और अगर आप पहली बार पतंग उड़ा रहे हैं तो कैसे आप पतंग चूज कर सकते हैं, और पतंगें कितने कितने की मिलती हैं सब बताऊंगा, और उसके बाद आपको पतंग के कन्ने बांध के भी दिखाऊंगा एकदम प्रॉपरली कैसे कन्ने आप बांध सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बैग खोल लेते हैं। खुल जा, ये देखिए, तो बैग हम खोल लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रही पतंगें। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर पहली बार पतंग उड़ा रहे हैं तो आप एक बढ़िया सी पतंग कैसे चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कौन कौन से पतंग के साइज होते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहला साइज जो आता है वो आता है मंझोली पतंग का। तो ये देखिए दोस्तों, ये रही मंझोली पतंग। और अभी मैं आपको पहले साइज बता देता हूँ, उसके बाद रेट बताऊँगा कि कितने कितने रुपये की होती है, उसके बाद आपको ये बताऊँगा एक परफेक्ट पतंग आप कैसे चूज कर सकते हैं। तो पहली होगी मंझोली। और हाँ दोस्तों, ये वाली वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है यार, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देख लेना। उसके बाद आती है, देखिए, ये रही अद्दी पतंग। मंझोली के पास जो आएगी पतंग वो होगी अद्दी। मंझोली के बाद आता है अद्दी का साइज, और फिर अद्दी के बाद जो पतंग आती है वो आपकी होती है पौनी पतंग। तो ये देखिए, ये रही पौनी पतंग। तो ये तीन साइज आते हैं जो मेनली आप यूज करते हैं, मंझोली, अद्दी और उसके बाद पौनी। अब मैं आपको रेट बताता हूँ इन पतंगों के। तो सबसे पहले मंझोली पतंग है यार, ये सबकी तरफ जहाँ तक है 3 रुपये की, मेरी तरफ तो 3 रुपये की मिलती है, और आपकी तरफ पता नहीं, वैसे ये आप 3 की या 4 तक की आपकी तरफ भी मिल जाती होगी। उसके बाद जो पतंग आती है वो आती है अद्दी। अब इसमें थोड़ा रेट का ज़्यादा डिफरेंस है, ये है 7 रुपये की। तो भाई, मुझे ये 7 रुपये की इसलिए पड़ी क्योंकि ये छिली भी पतंग है, और छिली भी पतंग एकदम बेटर होती है। अब काफ़ी लोग कमेंट करेंगे कि भाई, मेरी तरफ तो अद्दी पतंग 4 रुपये की मिलती है या 5 रुपये की मिलती है। तो भाई, उसमें ये होता है, मेरी तरफ भी 4 और 5 वाली पतंगें मिलती हैं अद्दी, लेकिन वो बिन छिली भी पतंगें होती हैं। बिन छिली में क्या होता है, कारीगर कापों को छीलता नहीं है, और वो ऐसे अपने हाथों से अपने अंदाजे से सेट कर देता है। और जो छिली भी पतंगें होती हैं उसमें वो एक एक मतलब छील के अच्छे से देखता है, उसके ये तो नहीं देखता कि पतंग लगेगी तो नहीं, उसके बाद सेट करता है छीलने के बाद। तो इसका रेट महंगा होता है क्योंकि इसमें काम ज़्यादा होता है, और जो बिन छिली भी होती है उसमें ज़्यादा काम नहीं होता है, तो उसका रेट सस्ता होता है 4 या 5 रुपये। लेकिन भाई, आप मेरी मानो तो यार, जो बिन छिली पतंग होगी वो ऐटती बहुत है, और जो छिली भी पतंगें होती हैं वो इतना नहीं ऐटती हैं। उसके बाद आती है पौनी पतंग। तो भाई, पौनी पतंग में भी यही है, जो आप मेरे हाथ में इस समय पतंग देख रहे हैं उसका जो रेट है यह है 12 रुपये। 12 रुपये इसलिए क्योंकि ये छिली भी पतंग है। अब मैं आपको एक पौनी पतंग दिखाता हूँ जिसका रेट सिर्फ 7 रुपये या 8 रुपये है, वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो देखिए कहाँ गई वो, ये देखिए इधर रखी है। अब ये वाली पौनी पतंग देखिए भाई, इसका रेट मैं लाया था ऐसी 1 साल पहले, तो ये मुझे 7 या 8 रुपये की पतंग पड़ी थी। अब देखिए पौनी 8 रुपये की पतंग, आप कहेंगे इतनी सस्ती, लेकिन भाई ये बिन छिली भी पतंग है, देख रहे हैं आप कितनी मोटा इसका थड्डा और काप है, ये देखिए बिल्कुल काम ही नहीं करा गया, और ये पतंग 100% ऐटेगी। तो भाई, यही रीज़न होता है छिली और बिन छिली पतंग में। तो छिली भी पतंगें होती हैं वो ज़्यादा नहीं ऐटती हैं, और ऐटेंगी भी तो आप उन्हें बहुत आसानी से सही कर लोगे, लेकिन जो बिन छिली पतंगें होती हैं वो अगर ऐटेंगी आप सही करने जाओगे तो वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं। तो भाई, यही है छिली और बिन छिली का बीच में डिफरेंस, और रेट का भी डिफरेंस इसीलिए आता है पतंगों में। तो ये तो हो गई भाई बात। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप एक परफेक्ट पतंग कैसे चूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अद्दी पतंग रही। अब मैं आपको बताता हूँ परफेक्ट पतंग क्या होती है, दोनों तरफ से सेम कागज़ उठेगा, जितना इधर से उतना ही इधर से, जब आप पतंग को मोड़ेंगे ऐसे, देखा एकदम सेम लग रही है ना पतंग, इधर से भी और उधर से भी एकदम सेम कागज़ ऊपर को आ रहा, तो सेम ही आ रहा होगा। देखिए एक बार फिर से, तो ये एकदम सीधी पतंग है। तो यही होती है भाई पहचान पतंग को चेक करने की, पतंग सीधी या नहीं है जब ऐसे मोड़ेंगे। और जो ऐटी पतंग होती है उनका कागज़ एक तरफ से बहुत ऊपर को निकल जाता है, एक तरफ से अंदर घुस जाएगा, तो यही तो वो होती हैं ऐटी पतंगें। तो भाई यही है, देखिए जो पतंग एकदम आपको बैलेंस ऐसे दिखेगी ना, तो वो ये पतंग एकदम सही होती है। तो यही होती है भाई परफेक्ट पतंग चूज करने के लिए। और एक और बात, अगर आप पहली बार पतंग उड़ा रहे हैं तो आप मेरी माने तो आप थोड़ी मीडियम पतंग लें, क्योंकि जो मीडियम पतंग रहती है उसमें थोड़ा वेट हल्का होता है, तो आप उसे बहुत ही आसानी से बैलेंस कर पाएंगे और कंट्रोल भी कर पाएंगे मीडियम पतंग को। तो जो लोग पहली बार पतंग उड़ा रहे हैं तो वो हमेशा मीडियम पतंग लें जिसकी काप ज़्यादा मोटी ना हो, मतलब मीडियम हो। तो दोस्तों, यही तब मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको इसका तो पूरा बता दिया कि आप पतंग कैसे चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप पतंग के कन्ने कैसे बांध सकते हैं।
तो दोस्तों इस पतंग के हम अभी कन्ने बांधेंगे, लेकिन कन्ने बांधने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है पतंग में टेपिंग करना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि टेपिंग कहाँ कहाँ होती है। टेपिंग इसलिए करते हैं कि पतंग फटे ना, जब आप उड़ाते हैं तो इधर उधर पतंग टकराती है तो फटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप टेपिंग कर लिया करें पतंग पहले से। कहाँ कहाँ करनी है, सबसे पहले एक ऊपर करनी है यहाँ पे, उसके बाद करनी है आपको शोल्डर में इधर वाले में लेफ्ट हैंड में, फिर राइट हैंड साइड में इधर करनी है, और अगर आप चाहें उसके बाद इधर भी कर सकते हैं, मैंने करी नहीं है लेकिन मैं कर लूँगा, इधर भी आप कर लेना इन साइडों से। और उसके बाद जो मेन आती है एक और, वो आती है कन्ने बांधने के बाद, उसके बाद आती है कन्ने बांधने के बाद कहाँ करनी है, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे टेपिंग कन्ने के ऊपर एक टेप लगा लेते हैं ताकि कन्ने ऊपर ना भागे। आप कन्ने बांध लेंगे, उसके जब आप पतंग उड़ाएंगे ना तो पतंग आगे जाके उसके कन्ने ऊपर को भाग जाते हैं, इसीलिए आप उसमें टेपिंग पहले से कर लिया करें ताकि कन्ने इधर उधर ना भागे। तो दोस्तों अब मैं आपको कन्ने बांध के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप होल कर लेना, वो भी बता देते कहाँ कहाँ करने, एक यहाँ पे करना और एक इधर करना है। तो मैं तो भाई हाथ से कर लेता हूँ ऐसे, आप चाहें तो सीख का भी यूज कर सकते हैं। और एक हाथ के डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ पे जो नीचे वाले होल करने, वो एक हाथ के डिस्टेंस में आप कर सकते हैं इधर। ये देखिए, तो ये देखिए हमने कर लिए उसके, अब हम बांधते हैं इसके कन्ने। देखा आपने, एक हाथ के डिस्टेंस हमने ली है, अब हम कन्ने बांधते हैं। उसके लिए कन्ने बांधने के लिए जो आपको सद्दी का यूज करना है, वो मोटी वाली सद्दी का यूज करना है। तो वो भी मैं अभी आपको सद्दी दिखाता हूँ, कौन सी सद्दी का यूज करना है आपको कन्ने बांधते समय। ये देखिए, ये वाली आप सद्दी का यूज करें, मोटी सद्दी है ये। तो सद्दी को लेना है, उसके ऊपर से आपको डबल कर लेनी है, एक इतना सा ऐसे डबल करना है। और डबल करने से ये होता है ऊपर थोड़ा फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए वो कन्ने टूटने के चांसेस रहते हैं, इसलिए आप डबल कर लेना। यहाँ से डालो और यहाँ से निकालो। और भाई काफ़ी यूट्यूब में मैंने वीडियो देखी, उसमें लोग कहते हैं कि मंजे के कन्ने बांध लो, मंजे के कन्ने बांधने से कुछ नहीं होता। तो भाई कभी भी मंजे के कन्ने मत बांधना, क्योंकि मंजे के कन्ने पहली बात तो टूट जाते हैं और दूसरी बात वो पतंग को फाड़ देंगे आपकी, इसलिए कभी भी मंजे के कन्ने मत बांध लेना भूल से भी, हमेशा सद्दी से। नीचे से भी आपको ऐसे ही करना है, डबल करना है और यहाँ से आप ऐसे यहाँ से डालें और वहाँ से निकाल दें। ये देखिए हमने कर दिया, तो ये तो सिंपल सी है, ये तो आपको बांध लेना। इसके बाद जो मेन आता है वो आता है ऊपर का, अभी दिखाता हूँ। तो यहाँ पर भी हमने गार्ड बांध ली, ये देखिए बन गई आराम से। अब जो आता है ये चीज़ मेन चीज़ है, यहाँ पे गार्ड हम कहाँ लगाएं। तो इसकी भी एक ट्रिक है, आप क्या करें, पीछे वाले उसको ले, पीछे वाला जो होना चाहिए आपका थ्रेड वो आगे वाले के बराबर होना चाहिए, उससे थोड़ा लंबा ही होना चाहिए, और जो आगे वाला होना चाहिए वो पीछे वाले के बराबर होना चाहिए। दोबारा से बताता हूँ आपको, जो पीछे वाला ये डोरा होता है वो आगे वाले से थोड़ा लंबा होना चाहिए, आगे वाले छेद से। ये देखिए इतना हम कर लेते हैं, और जो आगे वाला होना चाहिए वो पीछे वाले छेद के बराबर होना चाहिए, और जो आपको यहाँ पे पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट में आप गार्ड लगा लें। देखिए बराबर ना, ये इस पॉइंट में आप गार्ड लगा लें, ये एकदम परफेक्ट करने होते हैं पतंगबाजी में। जो यहाँ पे आपको पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट में आप गार्ड लगा लो। तो ये देखिए हमने गार्ड लगा ली, तो ये भाई एकदम परफेक्ट करने माने जाते हैं पतंगबाजी में। फिलहाल अब तो हम हाथ से कर लेते हैं, हम ऐसे नापते नहीं हैं, हम तो ऐसे ही अपने मन से कर लेते हैं, लेकिन आपको अगर परफेक्टली बांधने तो आप ऐसे बांध सकते हैं। देखा आपने, ये हो गई एकदम आपकी परफेक्ट करने बन गए। अब देखिए इन कन्नों में क्या होता है, आपकी पतंग स्टेबल रहेगी, जब आप किसी से पेज नहीं लड़ाएंगे हवा में एकदम आपकी पतंग स्टेबल रहेगी, और जब आप किसी से पेज लड़ाएंगे आप ढील देंगे तो आपकी पतंग बढ़िया करके घूमेगी। तो ये कन्ने होते हैं भाई एकदम बढ़िया कन्ने रहते हैं, जब आप पतंग को अपनी तानना चाहें तो एकदम पतंग आपकी स्टेबल हो जाएगी, और जब आप थोड़ी सी ढील देंगे तो आपकी पतंग घूमने लगी। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं, काफ़ी लोग की पतंग घूमती बहुत है, तो वो लोग क्या करते हैं, आगे का कन्ना छोटा कर देते हैं और पीछे वाला लंबा कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है उनकी पतंग बहुत ज़्यादा घूमने लग जाती है। और कुछ लोग क्या करते हैं, पीछे वाला छोटा कर देते हैं आगे वाला लंबा कर देते हैं, तो उनकी पतंग बहुत ज़्यादा ऐसे डोलती है हवा में। ये देखिए ऐसे स्टेबल रहेगी लेकिन ऐसे डोलेगी, तो वही होता है भाई, उनसे थोड़े कन्ने गलत बन जाते हैं। तो ये ऐसे कन्ने बांधे, ये एकदम बढ़िया कन्ने है, इसकी इससे पतंग आपकी एकदम स्टेबल भी रहेगी, और जब आप ढील देना चाहें तो ढील भी आपकी बढ़िया करके जाएगी। और अगर आपको लगे कि आपका कन्ना थोड़ा छोटा बड़ा हो रहा है, तो आप पतंग को आगे ऐसे गिट लगा लें ताकि आगे वाला कन्ना छोटा हो सके। ये देखिए ऐसे आप लगा लेना आगे, अगर आपको थोड़ा छोटा बड़ा करना है, और अगर आपको पीछे वाला करना तो आप पीछे ऐसे लगा सकते हैं।
पीछे वाला करना तो पीछे। अब हम यहाँ पे आपको टेप जरूर लगा देना भाई। तो दोस्तों कन्ना बांधने के बाद आपको ये देखिए टेप जरूर लगा देना, वरना आपका आगे भाग जाएगा, हवा में आगे चले जाएगा और आपकी पतंग के कन्ने खराब हो जाएंगे। तो टेप लगा दोगे तो ऐसा नहीं होगा। दोस्तों अब मुझे ये भी बताना था कि एटीवी पतंग को कैसे सही करें, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि वरना ये वीडियो यार बहुत लंबी हो चुकी है और कुछ ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना पतंगबाज दोस्तों में, और कमेंट भी करना कि आपको कौन कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए। अब रोज़ मैं वीडियो डालूंगा, 14 तारीख तक रोज़ ही वीडियो आएंगी। और मेरा जो दूसरा चैनल यार उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है। तो आज की वीडियो तक थी, मिलती मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।